हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएल प्रहरी के क्लास नंबर 19 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें डिटरमिनर्स का सेकंड पार्ट है। जो क्वेश्चंस अपन लोग कल सॉल्व कर रहे थे, उसका सेकंड हाफ इस लेक्चर में रहेगा। ठीक है, अब ये लेक्चर में और जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें आपको नहीं आ रही थी, वो लास्ट लेक्चर में आ चुकी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन में ऑप्ट आउट करना है ऑप्शन को और कैसे आंसर्स लेके आना है। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें अभी समझ में आ रही है, ठीक है, इसको लेने के बाद, लेक्चर लेने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपकी जेएल प्रहरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, वहाँ पर यहाँ तक के सारे लेक्चर्स हैं। आप उसको प्रॉपरली वन बाय वन लीजिएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने उसको नीचे बेसिक्स से बिल्डअप करा है। ठीक है, तो हो सकता है बीच में से जो आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को समझने में, तो वो चीज़ें बार बार समझाई नहीं जाएंगी, इसीलिए वो वहाँ पर वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जानकारी आपको अभी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको देती हूँ। जिनको भी कोर्स से रिलेटेड या जो कुछ भी जानकारी चाहिए, आप लोग जो कुछ भी अपने डाउट कमेंट्स में लिखते रहते हैं, उन सब की जानकारी मैं देती हूँ। और वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया कीजिए, मैं उसको टैली करती हूँ और वहाँ पर रिप्लाई करती रहती हूँ। ठीक है, और जैसे ही कुछ डाउट इकट्ठे होंगे, उसका डाउट का अपन वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आपको वहाँ पर रिप्लाई मैं करती रहूँगी। क्लियर, तो अपने डाउट वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी अपन पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से अपने जेएल प्रहरी के बचे हुए यहाँ पर। हाँ, इस लेक्चर में मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड करे हैं उसको फिगर राउंड अप करने के लिए। ठीक है, तो उसी लेवल के कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं, जो जेएल प्रहरी में नहीं आए हैं लेकिन उससे रिलेटेड है। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। द बॉय सेड दैट देयर वॉज ओनली डैश पीस स्टिल मिसिंग फ्रॉम हिज जिग्सॉ पजल। क्या सिखाया था आपको कि सबसे पहले तो नाउन को देख लेना है, नाउन है कौन। पीस मतलब सिंगुलर है और पीस को गिन सकते हो, मतलब काउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब पहले देख लो कि कौन कौन से में सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता। लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता, हटाइए इसको। फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिया जाता है, इसको भी हटा दीजिए। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब जब आखिरी में दो चीज़ें, एक ऐसा लगता है मैम ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो आखिरी में अपने को काय पे जाना है, मीनिंग पर जाना है। एट दी एंड अपने को मीनिंग पे जाना है। जब मैं आपको क्लास नंबर 17 में वो कॉन्सेप्ट बता रही थी, ठीक है, डिटरमिनर्स के, जब मैं कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, 1 2 3 4, सिंगल डबल ट्रिपल, इनके बारे में बता रही थी, तब मैं आपको बता रही थी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ मीनिंग देखना होता है, मीनिंग मैच हो जाए। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से। कोई फॉर एग्जाम्पल, एक कोई जिग्सॉ पजल आपके पास है, ठीक है, कोई पजल है आपके पास, उस पीसेज वाली, ठीक है, आप बोल रहे हो कि, आप बोलना चाह रहे हो कि सिर्फ एक ही पीस बचा है जो नहीं मिला, मतलब एक ही पीस मिसिंग है। तो एक ही पीस मिसिंग है बोलोगे कि आपका ये सिंगल, एक गुना, दो गुना, तीन गुना ऐसे बोलोगे, मल्टीप्लाई करके कुछ बोलोगे क्या? कहने का मतलब आपका कोई पजल है, आपके दो पीस घूम गए उस पजल के, तो आप बोलोगे ना कि दो ही पीस मिसिंग है कि दो गुना पीस मिसिंग है, दो पीसेस मिसिंग है कि दो गुना पीसेस मिसिंग है, दो बोलोगे ना, तो दुगुना तिगुना तो नहीं बोलोगे ना। तो दो का अर्थ, एक का अर्थ 1 2 से आता है ना, ऑप्शन आपका ये होगा, ये नहीं। आखिरी में आपको एनालिसिस और मीनिंग मैच करना है, ठीक है, एक पीस घुमाया यार उसका सिर्फ, तो एक का एक ही लिखोगे ना, 1 मीनिंग आता है, सिंगल का एक मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई करके बोलते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 जब नंबर भरना हो तो 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, जब ऑर्डर भरना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते हैं, जब मल्टीप्लिकेटिव भरना हो तो सिंगल डबल भरते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको मीनिंग के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। अब इधर देखो ध्यान से, फिर उठाते हैं यहाँ पर नाउन क्या है, टाइप्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही बोल रहे हो, प्लूरल बहुवचन की गिनने योग्य संज्ञा। अब यहाँ पर देखो, लिटिल क्या लेते हैं, अनकाउंटेबल, हटाओ इसको। फ्यूअर, फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्यूअर। अब ये मत सोच के परेशान होने लग जाना, ये नया कहाँ से आ गया, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, फ्यूअर क्या होता है ना, मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके थोड़े 2 4 लेक्चर ऊपर जाके देखना, डिग्रीज पढ़ाया है उसमें, सब पढ़ाया है। तो अपने वहाँ पर ये पढ़ा था, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, वहाँ पूरा एक लेक्चर लिया है। फ्यूअर, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, दो की तुलना जब अपन करते हैं तब आता है। या कौन से दो लोगों की तुलना करी, पढ़ो क्या बोल रहे हैं, कि जो टाइप्स ऑफ कार्टून्स हैं,
जो चिल्ड्रन देखना पसंद करते हैं, बच्चे देखना पसंद करते हैं दिन भर, इसमें किससे किसकी कंपैरिजन हो रही है, किससे किसकी तुलना हो रही है? कोई तुलना ही नहीं हो रही, तो काय का कंपैरेटिव, हटाओ इसको, ठीक है? अब मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं अपने साथ, ये मैंने पढ़ाया है आपको लास्ट लेक्चर्स में, हटाइए इसको भी। सेवरल जरूर पीसीएन अपने साथ ले सकता है, लिखवाया है मैंने वहाँ पर काउंटेबल्स में लिखवाया था जब, ठीक है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो अब यही ऑप्शन बच रहा है जो पूरा मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दो की तुलना नहीं हो रही तो मैं इसको नहीं ले सकती, ये हो रही है अनकाउंटेबल ही लेते हैं इसलिए ये तो आ ही नहीं सकते। अब ये बचता है जो पूरी तरह मैच हो जाता है, इसलिए ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या होता है, डी। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर चार प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं। अब मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है, जो कुछ भी मीनिंग्स आपको बताए हैं, उसके हिसाब से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, आप देख लो पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलिए देख लेते हैं। धिस किसके साथ आता था हमेशा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर आप 17 नंबर लेक्चर में जाए, इसके पहले के पहले वाले लेक्चर में, वहाँ सब कुछ क्लियर है, मैंने एक एक पॉइंट लिख के बताया वहाँ पर, दिस दैट दिस दोस। तो दिस के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल। ये सिंगुलर काउंटेबल है क्या? नहीं है, तो यहीं गलत कर दो, छोड़ो उसको, आगे पढ़ना ही नहीं, गलत ही हो गया वहीं पर, रूल है ये, ठीक है? अब इधर देखो यहाँ पर, हाँ, दीज के साथ बहुवचन ही आता है, पीसीएन ही आता है क्या? पीसीएन, हाँ पीसीएन, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एंड दोस के साथ भी पीसीएन ही आता है, पीसीएन है क्या? हाँ पीसीएन है यहाँ पर। मेक द वेदर व्हाट इट इज, वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, वेदर यानी मौसम, इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, वेदर यानी मौसम होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, सीजन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो अनकाउंटेबल है तो इसको अपन सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे तो इसके लिए प्रोनाउन भी अपन सिंगुलर ले रहे हैं और वर्ब भी सिंगुलर ले रहे हैं, मतलब आगे से लेकर पीछे तक ये बिल्कुल सही है, ये आंसर आ गया आपका। फिर भी आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी शांति के लिए मैं यहाँ पर आगे भी बता देती हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन मार्क ही रहेंगे माइंड में, आगे का ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। इधर देखो, दीज अपने साथ बहुवचन ही लेता है ना, ये बहुवचन नहीं है, गलत हो गया यहीं पर, आगे पढ़ो ही मत। दीज अपने साथ बहुवचन लेता है ना, देखो बहुवचन नहीं है, हटाओ इसको, अपने आप आंसर आपका सेकेंड आ जाता है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द गुप्ता फैमिली हैज वेरी डैश मनी एंड कांट गो फॉर अ हॉलीडे एवरी ईयर। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मनी आपका कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर? अब अनकाउंटेबल नाउन है कैसे क्या, ये मैंने आपको बताया है फ्यू लिटिल वाले लेक्चर में, है ना? मनी 1, 2, 3, 4 नहीं गिनते, मनी का मतलब धन होता है, ठीक है? आप इसको एक धन दो धन नहीं गिनते हो, इसलिए रुपए पैसे बनाते हो, वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है? तो ये अनकाउंटेबल है। अब कौन कौन लोग हैं जिसके साथ अनकाउंटेबल नहीं आता? मैनी के साथ हमेशा पीसीएन आता है, मैंने पढ़ा रखा है सब, अब बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखती जा रही हूँ मैं, कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ठीक है? सम के साथ पीसीएन आता है, हटा दीजिए इसको, सम के साथ पीसीएन आता है लेकिन अनकाउंटेबल भी आ सकता है, ठीक है? तो सम के साथ आ सकता है, छोड़ते हैं इसको। एवरी के जज्बात जो नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल ही होता है, इसलिए इसको भी हटा दो। लिटिल के बाद भी अनकाउंटेबल आ सकता है, ठीक है? ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इसके साथ सिर्फ पीसीएन ही आ सकता है, इसलिए इसको हटा दो। इसके साथ सिर्फ एससीएन ही आ सकता है, इसलिए इसको हटा दो। सम के साथ अनकाउंटेबल आ सकता है, इसलिए इसको रखो। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल आ सकता है, इसलिए इसको रखो। आप अगर सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग आ रहा होगा तो सम, नेगेटिव मीनिंग आ रहा होगा तो आपका लिटिल आएगा, क्योंकि ये लिटिल है। लिटिल जब काम ना हो रहा हो तब बिना किसी आर्टिकल के लिटिल और फ्यू का यूज होता है, ये लिटिल फ्यू वाले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। चलो आप चेक कर लेते काम हुआ कि नहीं। गुप्ता फैमिली के पास थोड़ा सा धन है और वो हॉलीडे के लिए हर साल नहीं जा सकते। काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, इतना थोड़ा है, ठीक है? नहीं हुआ, इतना थोड़ा है। और जब काम ना हो पाए, इतना थोड़ा होता है, तो लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल के हिसाब से। यहाँ अनकाउंटेबल की बात हो रही है तो लिटिल यूज होगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द कैंडिडेट, ये इन्होंने हिंट भी दे दी, ठीक है? डैश द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड राउंड। अब देखो यहाँ पर, पहली बात तो इन्हें द दे रखा है ना, तो द दे रखा है तो ऑफ वाला ऑप्शन आना चाहिए। ऑफ वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी कि जब भी आपका नाउन है द आ रहा है, उसका मतलब कोई ऑफ वाला चक्कर चल रहा है, ठीक है? ऑफ वाले कुछ आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, हाफ ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सब में से कुछ है, ठीक है? फिर भी आप देख लो एक बार, कैंडिडेट्स क्या है आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है? नो प्लूरल काउंटेबल नाउन ले सकता है, लेकिन नो के बाद नो द नहीं आता, ऑफ आना चाहिए, इसलिए ये गया, ठीक है? फ्यू भी नहीं आता क्योंकि फ्यू ऑफ द नहीं होता, ठीक है? इसको भी हटाइए। नन ऑफ द हो सकता है, नन के जस्ट बाद नाउन नहीं आता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ऑफ आता है, ठीक है?
क्लियर। तो वैसे वहां से डायरेक्ट ही आ रहा था आपको समझ में, द को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि द है, मतलब ऑफ वाला कोई ऑप्शन होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने और इजी कर दिया, ऑप्शंस में एक ही ऑफ वाला ऑप्शन रखा, इसलिए आंसर आपका ऑटोमेटिकली सी आ जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, सॉरी सिक्स, डैश प्लेयर्स, एक सेकेंड, ओके, डैश प्लेयर्स वर फाइन फॉर स्टेयरिंग एट द अंपायर। अभी मीनिंग मीनिंग बाद में निकालेंगे, पहले देख लेते हैं। प्लेयर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल। अब देख लो किस किस के साथ आ सकता है, किसके साथ नहीं आ सकता। इधर देखो, अनदर के साथ हमेशा एससीएन आता है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया, हटाओ इसको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। बोथ के साथ पीसीएन आ सकता है, ठीक है। अब इधर के साथ पीसीएन भी आता है, लेकिन तब जब ऑफ द लगा हो, और एससीएन भी आता है जब ऑफ द ना लगा हो। अब एक बात बताओ, ऑफ द लगाए के बीच में ना यहाँ लगा है ना इसके बाद लगा है, इसलिए इसको हटा दो, क्योंकि इधर के जज्बात अगर ना हो लिखना है तो एससीएन आएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 17 में, काफ़ी देर तक मैंने समझाया सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वहाँ जाके समझना, मेरी बात पूरी समझ में आएगी, और फिर ये क्वेश्चन देखना, 100% मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ नीदर में भी सेम ही फंडा है कि भैया अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना था तो ऑफ द लिखना था, ऑफ द ना यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है, ठीक है। और अगर तुमको प्लूरल काउंट यहाँ पर नीदर को अकेला लिखना है तो बाजू में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए इसको भी हटा दो। आंसर ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, बी, बोथ। देख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डायरेक्टर्स, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। डायरेक्टर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन कौन नहीं आएगा, अनदर नहीं आएगा, क्यों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। एवरी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, ठीक है। ईच के साथ वही फंडा इधर नीदर वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ईच के साथ पीसीएन तो आ सकता है, लेकिन क्या आना चाहिए, ऑफ द। अगर ईच अकेला आता है तो क्या आता है उसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो ना यहाँ ऑफ द लिखा है ना यहाँ ऑफ द लिखा है, और ये पीसीएन है इसलिए इसको हटा दो। अब ऑप्शन ये है सेवरल के साथ पीसीएन आ सकता है, और यही एक अकेला ऑप्शन है जो पूरी तरीके से अपना मैच हो जाता है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। हाँ, मैंने करीबन 5 to 6 क्वेश्चंस दूसरे जो जेल प्रेरी के नहीं है वो जोड़े हैं, लेकिन जो जोड़े हैं वो भी किसी दूसरे एग्जाम में आए हुए हैं सेम लेवल के, ठीक है। तो ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, अगर ये आपसे सीधे सीधे सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपने को सब आ रहा है समझ में, ठीक है। डैश कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, कुछ नहीं करना है, कोकोनट्स को देखो बस, क्या है, प्लूरल काउंटेबल है। कौन कौन है जिसके साथ प्लूरल काउंटेबल नहीं आता है, ठीक है। अफ यू के साथ पीसीएन आ सकता है, आ सकता है। एनी के साथ पीसीएन आ सकता है, आ सकता है। द फ्यू के साथ आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो पहले इनके चेक लगा लेते, फिर नन ऑफ दीज पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि एनी का कुछ लग रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या पीछे, नहीं है तो फुल स्टॉप है। अच्छा चलो, सेंटेंस नेगेटिव है क्या, कि कोकोनट ट्री से गिरा, पेड़ से कोकोनट गिर गया, इसमें नेगेटिविटी तो कुछ बता ही नहीं, ठीक है। इसलिए एनी को हटा दे, क्योंकि एनी का कोई रूल यहाँ पर नहीं जम रहा है, सही बोल रही हूँ। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चेक लगाते हैं, द का लगाते हैं। तो देखो द का चेक लगाओ, जो जिसने जिसका आ रहा है क्या, कुछ कोकोनट्स ट्री से गिर गए, कुछ नारियल पेड़ से गिर गए, यहाँ पर कुछ जो जिसने आया, नहीं आया, नहीं आया तो इसको भी हटाओ। अच्छा ऑफ यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी हिंट नहीं है कि ऑफ यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑफ यू नॉर्मल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में एफर्मेटिव पॉजिटिव में लिखा जाता है थोड़े के अर्थ में, और उसके बाजू में पीसीएन आता है, ये पीसीएन भी है, पूरी तरीके से मैच हो रहा है। हाँ, अगर ये मैच नहीं हो रहा होता तो नन ऑफ दिस पे चले जाते, पर उसने ऑप्शन दिया है वहाँ पर जो मैच हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेटली, ये पहला ही शब्द आपको कई हिंट दे जाएगा। फॉर्चुनेटली मतलब क्या, किस्मत से, मतलब कुछ पॉजिटिव बात आपके साथ होता है, अरे यार मेरी वहाँ रास्ते में जा रहा था, वहाँ गाड़ी खराब हो गई, किस्मत से मेरे चाचा वहाँ पर रास्ते में मिल गए तो मेरे को हेल्प हो गई, किस्मत से, मतलब एक पॉजिटिव बात बोली, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली आपको पहले ही हिंट दे देता है कि कुछ पॉजिटिव सी बात होने वाली है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। अभी तो पूरा सेंटेंस छोड़ के मैं यहाँ पर जाती हूँ। डैश के बाद क्या लिखा है, गुड कस्टमर्स, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, कस्टमर्स लिखा है बहुवचन की गिनने योग्य संज्ञा। किस किस के साथ नहीं आता है, इसके साथ आ सकता है, आ सकता है, इसके साथ आ सकता है, आ सकता है, इसके साथ नहीं आ सकता, इसके साथ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये लोग कौन लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और कस्टमर्स काउंटेबल हैं, ठीक। अब इसको और इसको चेक करने के लिए, अब द का तो चेक लगाना नहीं है, जो जिसने का क्यों नहीं लगाना, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में। अगला चेक क्या लगाएं, कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। भैया अभी भी पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले वर्ड ने ही बता दिया था कि काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था, इसलिए आंसर क्या आ जाता है, ए।
फ्यू कब आता है? जब नेगेटिविटी मतलब जब काम ना हो रहा हो, या आपके उसने बता दिया काम तो हो रहा है, अभी भी है, स्टिल है, अभी भी है, पॉजिटिव बातें हो रही है पूरी आगे से पीछे तक, क्लियर है? तो आगे चेक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लाइक्स डैश डांस फॉर्म्स, पहले इसको पकड़ते हैं नाउन को, डांस फॉर्म्स मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक डांस फॉर्म, दो डांस फॉर्म, डांस फॉर्म डांस को नहीं गिन सकते, डांस अनकाउंटेबल है, ठीक है, डांस अनकाउंटेबल है, लेकिन डांस के फॉर्म्स काउंटेबल है ना, ये फॉर्म वो फॉर्म, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन, इस तरीके से अपन गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये उसे बहुवचन बना के भी क्लियर किया कि हम डांस फॉर्म की बात कर रहे हैं जो काउंटेबल है। अब एवरी के जस्ट बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, इसलिए हटाओ इसको। ईच के भी जस्ट बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, हाँ प्लूरल आता है, लेकिन ऑफ द का इस्तेमाल करना होता है, जो ना यहाँ लिखा है ना यहाँ लिखा है, इसको भी हटाओ, ठीक है। ऑल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके साथ पीसीएन आ सकता है, और अ लॉट आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि अलॉट आता तो है, लेकिन उसके जस्ट बाद कभी नाउन नहीं आता। अगर मैं यहाँ अलॉट लिख दूँ तो यहाँ पूरा नाउन लिखा हुआ है, डांस फॉर्म्स, क्लियर है? इसलिए ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाता है, सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, डैश हॉर्सेस। हॉर्सेस मतलब क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, सब में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, इसलिए आप प्रॉपर चेक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले एनी का चेक लगाना, उसके बाद बाकी का लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव होगा तो एनी लगेगा, ठीक है। हॉर्सेज वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी चरना, इन फ्रंट ऑफ द बांध, बांध के सामने जो घोड़े थे वो चर रहे थे। क्या क्वेश्चन मार्क है? नहीं, नेगेटिव है, कोई नेगेटिव बात हुई, नेगेटिव वर्ड आया, नॉन एवर कुछ ऐसा नहीं आया, इसका मतलब एनी का कोई भी रूल मैच नहीं हो रहा, हटा दो इसको। आप सबसे पहले चेक किसका लगाना सिखाया मैंने, द का, देख लो जो जिसने जिसका आ रहा है क्या, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालो, थोड़े से या कुछ घोड़े चर रहे थे बार्न के सामने, जो जिसने आया, नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब आपका ये भी गया। अब कोई नेगेटिव बात हुई क्या कि थोड़े से या कुछ घोड़े चर रहे हैं बांध के सामने, कोई नेगेटिव बात हो रही है क्या? ऐसा लग रहा है कोई काम नहीं हुआ, ऐसी कोई हिंट नहीं आ रही है, तो नेगेटिव वाला फ्यू भी हटाएं, जो बचता है वो आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर? इस मैटर में जो मैं बात कर रही हूँ, अगर कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो डेफिनेटली वो लोग हैं जिनने फ्यू लिटिल वाला लेक्चर नहीं देखा है। आप प्लीज़ इस लेक्चर के बाद पहले जाकर फ्यू लिटिल वाला लेक्चर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पर आकर आप इसको चेक करना, आपको अपने आप मेरी बात समझ में आएगी, वहाँ एक घंटे तक मैंने उस चीज़ को समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन हैज़ अ ईयर ऑफ 687 डेज, ओके। और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव के हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर दो टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, एक तो आपका डिटर्मिनर है और आपका आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। आप अपने डेफिनेट आर्टिकल वाले लेक्चर में जाओगे तो मैंने आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव वाला एक पॉइंट बताया है, जिसमें आपको बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1, 2, 3, 4, नहीं, ठीक है। तो ये जब भी आते हैं तो इनके आगे द आता है, इसमें एक अपवाद वगैरह भी है, वो सब मैंने वहाँ उस लेक्चर में बता रखा है, वो लेक्चर पूरा वहाँ पर देख लेना जिसने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब आता है ना, तो उसके आगे द आना जरूरी होता है, ये आर्टिकल वाले चैप्टर में है, तो उस रूल के हिसाब से आपके ये दोनों गलत हो जाते हैं, ये गलत हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। अब ये क्यों गलत कर दिया मैम? आप मीनिंग निकालो, एक इसका मीनिंग होता है चार और इसका मीनिंग होता है चौथा, कौन सा मैच कर रहा है? क्या बोल रहा है कि कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है जो सन से चार है कि सन से चौथा प्लेनेट? अरे सन से, सूर्य से चौथा प्लेनेट जो है उसमें इतने दिन होते हैं कि सूर्य से चार प्लेनेट जो है उसमें इतने दिन होते हैं, क्या नॉर्मल लगा? चौथा वाला नॉर्मल लगा ना, तो चार चार वाले ऑप्शन तुम पहले ही उड़ा दोगे, ये तो पहले ही उड़ जाएगा मीनिंग के हिसाब से। अब ये और ये बचेगा तो ये इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें आर्टिकल का रूल नहीं लग रहा है, आर्टिकल बोलता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे हमेशा द लगता है, आंसर आपका ए है, दोनों मिला के आप आंसर दे दो। आपका काय का ऐसे टूटा ये क्वेश्चन, एक तो मीनिंग से चौथा का मीनिंग आ रहा है न कि चार का, तो चार के सी और डी दोनों गलत हो गए, और फिर उसके बाद ये दोनों में से आपने आर्टिकल का रूल लगाया जो मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया है, डेफिनेट में जाके देखना, ऑर्डिनल्स के आगे हमेशा द लगता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। आई डोंट वियर डैश न्यू ट्राउजर्स, न्यू ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, ट्राउजर्स, ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पर
दिस आएगा क्या, बहुवचन है, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल ना होना था, हटाइए उसको, दैट के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल ना होना था, हटाइए उसको, ये सब चीज़ों के, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मिल जाएगी, डिटरमिनेंट्स कॉन्सेप्ट में, ठीक है, सब कुछ लिख लिख के समझाया, दिस दैट सबका, ठीक है। फ्यू में भी पीसीएन आ सकता है और दीज में भी पीसीएन आ सकता है, लेकिन फ्यू जैसी कोई बात नहीं हो रही है। मैम फ्यू जैसी क्या बात होती है, फ्यू लिटिल के लेक्चर में देख लेना, बहुत बार समझा दिया। क्या बोल रहा है कि मैं ये वाली नई ट्राउजर्स ऑफिस में नहीं पहनूंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा या कुछ का अर्थ नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए मैं थोड़ा या कुछ का अर्थ नहीं लगाऊंगी। इसमें ये का अर्थ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये का अर्थ लगाऊंगी। एट द एंड आपकी बात कहाँ जा रही है, मीनिंग पर, इसलिए फ्यू नहीं लगाया, ठीक है। अब क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ भी लड़ने लग जाते हैं, अभी मैं ये बात नहीं बोलती ना तो फिर एक डाउट लेके आ जाते हैं, मैम ये तो नेगेटिव है ना, तो इसमें यहाँ पे फ्यू आ जाएगा। अरे भैया फ्यू आ जाएगा तो फ्यू का अर्थ भी तो निकलना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे क्या, ये नई वाली थोड़ी सी ट्राउजर मैं नहीं पहनूंगा, ट्राउजर थोड़ी सी कैसे हो सकती है, ये नई वाली कुछ ट्राउजर्स मैं नहीं पहनूंगा ऑफिस को, ठीक है। ये बोलना है, ये नई ट्राउजर्स मैं ऑफिस में नहीं पहनूंगा, ये नई ट्राउजर्स मैं ऑफिस में नहीं पहनूंगा, तो ये नई ट्राउजर्स मतलब ये का अर्थ भी तो आना चाहिए, ये के अर्थ में ये है अपने पास, ये भी है लेकिन ये सिंगुलर लेता है और ये तो है ही नहीं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि ये बात ध्यान रखना है ना, जो भी चीज पेयर में होती है ना वो एक भी बहुवचन कहलाती है, जैसे ट्राउजर्स हुआ, सीजर्स हुआ, ठीक है, पैंट्स हुआ, ग्लव्स हुआ, ठीक है, ये सब बहुवचन में ही लिखी जाती है, तो वो एक ही ट्राउजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्राउजर नहीं होता इंग्लिश में, उसको हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है, क्योंकि जो भी आपके पेयर में आता है उसको बहुवचन में ही लिखा जाता है। आई बात समझ में क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है। तो बोल रहा है ये नई वाली ट्राउजर्स मैं कल नहीं ऑफिस में नहीं पहनूंगा, तो ये बोल रहा है, कुछ कैसे बोलेगा वो उसको, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है, द चाइल्ड हैड डैश टॉयज, द चाइल्ड हैड डैश टॉयज, टॉयज यानी क्या, बहुवचन प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, लॉट होता ही नहीं है, ये लास्ट लेक्चर की शुरुआत में मिल जाएगा। मच को अनकाउंटेबल चाहिए रहता है, इसलिए ये भी गया। सम पीसीएन ले सकता है, इसको रख सकते हैं। लिटिल को भी अनकाउंटेबल चाहिए रहता है, इसलिए ये भी गया। अब आगे सोचना ही नहीं है, कुछ होता तो सोचते हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसलिए वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ओके ये पुराना वाला है। वी आर नॉट फेमिलियर विद डैश पार्ट ऑफ दिस सिटी, शहर के इस पार्ट से हम फेमिलियर नहीं हैं। यहाँ पर देखो, पार्ट मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब देखो किस किस के साथ सिंगुलर लिख सकते हैं, इसके साथ सिंगुलर लिखते हैं, हाँ इसके साथ सिंगुलर लिखते हैं, इसके साथ तो सिर्फ प्लूरल आता है मैम, हटा दो इसको, इसके साथ भी सिर्फ प्लूरल आता है मैम, हटा दो इसको, इसके साथ भी प्लूरल आता है बस, इसलिए भी इसको भी हटा लो, इसके साथ भी प्लूरल आता है इसको भी हटा लो, अपने आप आंसर आ गया आपका, इतना ईजी है, ठीक है। तो क्लियर है, आई होप आज का जो 15 क्वेश्चन है वो अच्छे से किए होंगे, है ना, और ये समझ पा रहे हो कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, कैसे, लास्ट लेक्चर्स पर, ठीक है। अगर अभी भी लास्ट लेक्चर्स पर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात समझ में नहीं आती है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं, मैम जितना आप क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, हमको उसके अलावा भी पढ़ना है, हमको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है, हमको कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, या हमको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने सारे अपवाद एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ उसमें कवर किए हुए हैं, विद एग्जांपल्स, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट वहाँ पर बताया हुआ है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस, वहाँ पर क्लियरली थ्योरी भी मैंने पूरी प्रॉपर लिखवाई है, ठीक है। तो जो लोग प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए पेड कोर्स अवेलेबल है। तो क्लासेस आपकी रोज 3 बजे रहा करेंगी जेल प्रेरी की, जो इंग्लिश पेड कोर्स की मैं बात कर रही हूँ वो आप अपने एग्जाम गुरुजी ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, है ना। टेस्ट सीरीज भी, जेपी की टेस्ट सीरीज भी हम अवेलेबल है अभी, आप वो भी परचेस कर सकते हो, ओवरऑल टेस्ट सीरीज है, ठीक है। जिनको भी कोर्सेज परचेस करने में प्रॉब्लम होती है, ये आपके एमरजेंसी नंबर्स हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो, ऑफिस के टाइम पे आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, ऑफिस के टाइम पे आप कॉल करना। उसके अलावा जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं लेक्चर्स से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, ठीक है।
मैं उस वक्त आपको टैली करके रिप्लाई करूंगी, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब थोड़े डाउट्स कवर होंगे कि अपन आधे पौने एक घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, तो उन डाउट्स को यहाँ पर भी रखा जाएगा, क्लियर है। लेकिन वीडियोज से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डाउट्स हैं, वो आप वहाँ पर छोड़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।